जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे Xiaomi के Mi Max 2 को और फिर नजर डालेंगे इस डिवाइस के फर्स्ट इंप्रेशंस पे। और दोस्तों, Xiaomi ने इस डिवाइस को लॉन्च किया और सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है इसके बैटरी लाइफ पे और इसके डिस्प्ले पे, जो 6.44 इंचेस की है, तो काफ़ी बड़ी है। तो चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इस डिवाइस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। और ये वाला जो दोस्तों Xiaomi Mi Max का बॉक्स है, बहुत ही डिफरेंट है दूसरे डिवाइसेस से। और आपको सबसे आगे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मतलब दो चीज़ें जो Xiaomi ने ऑलरेडी बोल रखी है, जो 16.4 सेंटीमीटर की डिस्प्ले जो कि 6.44 इंचेस है और 5300 mAh की बैटरी, वो हाईलाइट है। और उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। और ये वाला जो वेरिएंट है दोस्तों, 4GB एंड 64GB, जैसे 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो है वो बड़ा सा फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा फ़ोन है और इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और वापस आएंगे इस डिवाइस पे, बिकॉज वही तो दोस्तों इस वीडियो की जान है। और दोस्तों, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे USB Type-C का चार्जिंग केबल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमने जितने भी Redmi Note 3, Redmi Note 4 में देखे, वहाँ पे आपको माइक्रो USB मिलते हैं। और उसके बाद आपको मिलता है Qualcomm क्विक चार्ज सपोर्ट वाला वॉल अडाप्टर, जिसकी जो पावर रेटिंग है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट 18 वॉट का आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको थोड़े बहुत पेपर वर्क मिलते हैं और एक सिम इजेक्टर टूल, एंड बस इतना ही है, कोई ईयरफोन नहीं है इसके बॉक्स में। अब दोस्तों, वापस आते हैं हम डिवाइस की तरफ, और यहाँ पे आपको मैट ब्लैक कलर का जो डिवाइस है वो देखने को मिलेगा। और Xiaomi ने दोस्तों एक ही वेरियंट और एक ही कलर में लॉन्च किया है, और देखने में ये फ़ोन रियली बहुत अच्छा है। अब मैं इस वीडियो में ये मान के चल रहा हूँ कि जो व्यूअर्स हैं या फिर जिनको ये खरीदना है, उनको लार्ज स्क्रीन डिस्प्लेस पसंद है, बिकॉज दोस्तों जो लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले हैं, किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा कि इसकी जो बड़ी साइज़ है वो एक कौन है, बिकॉज शायद किसी के लिए वो प्रो भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि जो पुराने Mi Max में आपको एंटीना लाइंस के मतलब जो दिखते थे, वो अब यहाँ पे नहीं है। और जो बैक पैनल दोस्तों, पूरा सीमलेस है और एक यूनिक बॉडी फिनिश है। और जो एंटीना लाइंस हैं, वो टॉप एंड बॉटम एजेस पे है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, बिकॉज ब्लैक कलर में है तो वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल भी नहीं है। दूसरी अच्छी बात है दोस्तों कि कैमरे में कोई भी हम्प नहीं है, और जो डुअल टोन LED फ्लैश और जो कैमरा है, वो बहुत ही सीमलेसली आपके यहाँ पे मिल जाएगा। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों, वो थोड़ा ऊपर लग सकता है दोस्त किसी को यूज़ करने के लिए, और थोड़ा अगर नीचे होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको फ़ोन के ऊपर 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन और IR ब्लास्टर। और बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि अभी भी फ़ोन्स में हमें IR ब्लास्टर मिल रहा है, बिकॉज मैं पर्सनली IR ब्लास्टर खुद यूज़ करता हूँ, और शायद कहीं ना कहीं मैं फ्लैगशिप डिवाइसेस में इसको मिस भी करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको USB टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, और उसके बाद दोस्तों आपको राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर बटन मिल जाएंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है दोस्तों, वो हाइब्रिड सिम स्लॉट है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा अपग्रेड है अगर आप Xiaomi Mi Max 2 से भी कंपेयर करें। और इस सेगमेंट में, इस साइज़ में शायद ही कोई फ़ोन है जो इस डिज़ाइन को कंपीट दे सकता है इस प्राइस में, और प्राइस में थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर डिस्प्ले में आए, तो आपको यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले मिलता है 6.44 इंचेस का, और उसके साथ आपको 2.5D का कर्व ग्लास, और जो Xiaomi Gorilla Glass 3 है उसका प्रोटेक्शन, तो Xiaomi ने Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन दिया है बजट डिवाइसेस में, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों, अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलता है Snapdragon 625 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो हमने Redmi Note 4 में भी देखा है, सेम 14 नैनोमीटर्स की FinFET टेक्नोलॉजी है। और उसके साथ आपको मिलता है 4GB का रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। और फ़ोन के फर्स्ट बूट के बाद आपको 64 में से लगभग 54GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, और अगर आप एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहते हैं तो एक्सपेंडेबल मेमोरी भी है। अब दोस्तों, कैमरे की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसमें आपको सोनी IMX386 का सेंसर है। और दोस्तों, यहाँ पे F2.2 अपर्चर के साथ आपको 1.25 माइक्रॉन है, जो कि लार्जर पिक्सल साइज होती हैं, वो मिल जाएंगे। और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है दोस्तों, वो 5 मेगापिक्सल का है। अब आप
इस कैमरे से कैसी फोटोज ले सकते हैं, कितनी अच्छी आती हैं, वो सब तो दोस्तों फुल रिव्यू में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए ये थोड़ी एक दो फोटोज हैं जो हमने अपने स्टूडियो के अंदर स्टूडियो के बाहर लिए हैं, तो आप उन पर नजर डाल करके एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आता है इसका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको MIUI 8 का सॉफ्टवेयर मिल रहा है जो Android 7.1.1 जो Android Nougat है उस पर काम कर रहा है। और जैसे कि लॉन्च इवेंट में बोला गया था कि जब MIUI 9 लॉन्च होगा तो ये वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू डिवाइसेज होंगे जिनमें MIUI 9 रोल आउट होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट्स की बात करें तो एक स्प्लिट स्क्रीन जो है फीचर उन Xiaomi वालों ने डाला है। दोस्तों Nougat में तो फीचर बहुत दिनों से है, लेकिन MIUI 8 में ये फीचर अभी इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ में 100 मोड है, जो क्विक बॉल है वो ऑलरेडी है Mi का। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट्स हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं अगर आप इतने बड़े फ़ोन को एक ही हाथ से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस की, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्ले और साउंड दोनों आ जाएंगे। और जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि इस फ़ोन की जो बड़ी डिस्प्ले है बहुत ही अच्छी है, व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं, और जो कलर रिप्रोडक्शन है, कलर कंट्रास्ट है, वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और जो स्पीकर्स हैं उसमें आपको स्टीरियो सराउंड साउंड मिलता है। लेकिन एक बात जानने की यहाँ पे ये है कि जो नीचे वाला स्पीकर है दोस्तों, जो कि चार्जिंग पोर्ट के पास में है, वो आपका मेन स्पीकर है, उससे ज़्यादा लाउड आवाज़ आएंगी। और जो आपका जो ईयर पीस है दैट डबल्स अप एज ए स्पीकर, वो एज ए ट्विटर काम करता है। तो वो जो आपके जो ट्रेबल्स हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी जो साउंड होती हैं, उनको एनहांस करता है। तो ये दोनों स्पीकर दोस्तों एक साथ कंबाइन होकर के काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि दोनों स्पीकर से एक ही तरह का आपको आउटपुट मिल रहा है, एक स्पीकर लाउड है और एक जैसे बोलते हैं ना सपोर्टिंग एक्टर वैसा काम करेगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल Mi Max का हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अब इस फ़ोन को आप 16,999 से हमें ख़रीद सकते हैं, और ये आपको 27 जुलाई से इनके जितने भी सारे ऑनलाइन सेलर्स हैं जैसे कि Flipkart, Amazon और उसके बाद Paytm, उसमें मिल जाएंगे। और दोस्तों ये फ़ोन ऑफलाइन भी अवेलेबल है, और Xiaomi का एक एनिवर्सरी सेल भी हो रहा है जो उनके 3 साल कंप्लीट कर रहा है, जैसे 20 और 21 को, वहाँ पे भी आप दोस्तों Mi Max को ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारे पास 2 F-codes भी हैं जो इस वीडियो में आप अगर कमेंट करें और हमें रीज़न दें कि आपको वो F-codes क्यों चाहिए, तो 2 lucky comments को दोस्तों हम वो F-code प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों हमें बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। इसके बारे में हम आगे जाकर के और भी वीडियोस बनाएंगे, जैसे कैमरा रिव्यू हो गया, टाइम लैप्स हो गए, फुल रिव्यू हो गया, गेमिंग रिव्यू हो गया। और गेमिंग रिव्यू दोस्तों बहुत ही चल जाएगा, तो प्लीज़ वो लास्ट सब्सक्राइब का बटन अभी दबाइए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।